हेलो एंड वेलकम टू गपर चपर, आई एम डॉक्टर स्तुति। आज हम आपके लिए बर्गर की रेसिपी लेके आए हैं। बर्गर तो बच्चे और बड़े सबको पसंद होता है और बर्गर के लिए मैकडॉनल्ड बर्गर किंग सबसे फेमस जगह है। लेकिन आज हम आपके लिए बर्गर की एक ऐसी रेसिपी लेके आए हैं जिसको खाने के बाद आप मैकडॉनल्ड या बर्गर किंग जाना भूल जाएंगे। तो देर नहीं करते और जल्द से जल्द बनाना शुरू करते हैं बर्गर। देखते हैं बर्गर बनाने के लिए हमें क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स चाहिए। डिलीशियस बर्गर बनाने के लिए सबसे पहले हम आलू टिक्की तैयार करेंगे। आलू टिक्की बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक उबला आलू ले लिया है। हमने बड़े साइज का आलू लिया है इसलिए हमने एक लिया है। अगर आप छोटे साइज के आलू लें तो दो से तीन ले लें। उबली हुई गाजर और मटर है। प्याज एक छोटा बारीक कटा हुआ। हरी मिर्च दो बारीक कटी हुई। धनिया, ब्रेड क्रम चाहिए। कॉर्नफ्लोर पाउडर चाहिए। मैदा चाहिए। गरम मसाला, अमचूर पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और स्वादानुसार नमक चाहिए। आइए अब हम टिक्की बनाना शुरू करते हैं। अब हम एक बाउल में आलू को मैश कर लेंगे। आलू को हमने मैश कर लिया है। अब हम इसमें उबली हुई गाजर और मटर डालेंगे। गाजर और मटर को उबाल के ही डालें। बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। बारीक कटा हुआ धनिया डालेंगे। इसमें हम एक चम्मच मैदा डालेंगे। एक चम्मच कॉर्नफ्लोर पाउडर डालेंगे। चार चम्मच ब्रेड क्रम्स डालेंगे। हाफ टी स्पून गरम मसाला डालेंगे। हाफ टी स्पून अमचूर पाउडर डालेंगे। हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर डालेंगे। स्वादानुसार नमक डालेंगे और अब सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए, आलू टिक्की का जो मटेरियल है वो बनकर के रेडी है। हमने अच्छे से इसको मैश कर लिया है और अच्छे से सारे इंग्रेडिएंट्स को आलू के साथ मिक्स कर लिया है। अब हम आगे की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हम एक बाउल लेंगे। बाउल में हम एक चम्मच मैदा डालेंगे। एक चम्मच कॉर्नफ्लोर पाउडर डालेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम एक घोल रेडी कर लेंगे। इसे स्लरी बोलते हैं। हम टिक्की को इसमें डुबा के फिर ब्रेड क्रम्स से रोल करेंगे। अब हम हाथ में थोड़ा सा पानी लेंगे, हाथ को गीला कर लेंगे और इसमें से हम आलू का जो मटेरियल है इसको हम लेंगे जिससे हमें टिक्की बनानी है, और इसको हम अच्छे से एक टिक्की का शेप दे देंगे। टिक्की का शेप आप बर्गर का जो आपका बन है, बन के साइज के हिसाब से ही आप टिक्की का साइज बनाएंगे। और बर्गर बन से थोड़ी सी छोटी टिक्की बनाएं। इसको हम स्लरी में ऐसे डिप कर लेंगे अच्छे से, और इसके बाद अब हम इसको ब्रेड क्रम से रोल करेंगे। इसमें हमको अच्छे से ब्रेड क्रम लगाना है। ब्रेड क्रम से ही टिक्की में क्रंच आता है। ये देखिए, एक जो हमारी टिक्की है वो रेडी है। इसी तरह हम बाकी की भी टिक्की रेडी कर लेंगे। हमने आलू टिक्की बना करके रेडी कर ली है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं या शैलो फ्राई कर सकते हैं। हम इसको शैलो फ्राई करने वाले हैं। आलू टिक्की को शैलो फ्राई करने के लिए हमने एक पैन ले लिया है। पैन में हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ऑयल को चारों तरफ फैला लेंगे। अब हम इसमें आलू टिक्की रख देंगे। हमने इसको एक तरफ से अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हम इसे पलट के दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। आलू टिक्की को हमने अच्छे से शैलो फ्राई कर लिया है। अब हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे और दूसरी तरफ हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। अब हम बर्गर के लिए सॉस रेडी करेंगे। बर्गर सॉस के लिए हम एक बाउल में रेड चिली सॉस ले लेंगे। टोमेटो केचप ले लेंगे।
और ये मेन इंग्रेडिएंट है मस्टर्ड सॉस, हमको ये लेना है। आपने बाहर जो भी खाए होंगे बर्गर्स, उसमें आपने देखा होगा कि उसमें एक येलो कलर की सॉस रहती है और उसका टेस्ट बहुत ही एक पंजेंट टेस्ट होता है, तो वो मस्टर्ड सॉस होती है, तो हम इसको भी ले लेंगे। इसको आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा लें। इसको हम मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो सारी सॉस अलग अलग भी लगा सकते हैं और इसमें आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी सॉस कम या ज़्यादा रख सकते हैं। आपको ज़्यादा तीखा चाहिए तो आप रेड चिली सॉस ज़्यादा रखिए, केचप कम रखिए, वो आप अपने अकॉर्डिंग स्वादानुसार चेंज कर सकते हैं। ये देखिए हमने रेडी कर लिया है। अब हम पैन को थोड़ा सा गर्म करेंगे और इसमें हम बर्गर बनकर से बीच से काट के हल्का सा सेंक लेंगे। साथ ही हम एक टिक्की भी रखेंगे। टिक्की को हम एक तरफ से गर्म हो जाने देंगे पहले, फिर इसके ऊपर से हम चीज़ रख देंगे ताकि चीज़ जो है वो थोड़ी सी मेल्ट हो जाए और अच्छे से टिक्की के साथ चिपक जाए। बन को हम पलट लेंगे। अब इसके ऊपर हम सबसे पहले बटर लगाएंगे। टिक्की को हम बर्गर बन के ऊपर रख देंगे। ये देखिए परफेक्ट साइज की टिक्की बनी है। टिक्की हमको बहुत ज्यादा बड़ी नहीं रखनी है। गैस को इस समय हम बिल्कुल स्लो रखेंगे, बिल्कुल धीमी आंच में हमें इसे बनाना है, नहीं तो जो बन है वो नीचे से जल जाएगा। इसके ऊपर से हम थोड़ा सा ये बर्गर सॉस लगा देंगे जो हमने बनाई थी। इसके ऊपर हम एक प्याज रखेंगे गोलाई में कटा हुआ, टमाटर रखेंगे, इसके ऊपर से हम थोड़ा से मिक्स्ड हर्ब्स डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे, लच्छेदार जो हमने ये पत्ता गोभी काटी थी ये रख देंगे, और ये जो दूसरा वाला बर्गर का जो पीस है इसके ऊपर भी हम ये बर्गर सॉस लगा देंगे और इसको अब हम बंद कर देंगे। और ये देखिए जो हमारा बर्गर है वो बंद करके रेडी है। इसको हल्का सा प्रेस कर देंगे और देखिए बर्गर बंद करके एक रेडी है। इसी तरह हम दूसरा बर्गर भी बना लेंगे। अब हम दूसरे तरीके से आपको बर्गर बना के दिखाएंगे। अगर आपके पास स्लाइस चीज़ नहीं है तो आप उसको प्रोसेस चीज़ के साथ भी बना सकते हैं। इसको हम पलट लेंगे। एक तरफ से हमने हल्का गर्म कर लिया है, अब हम इसके ऊपर प्रोसेस चीज़ रख देंगे, बटर लगा लेंगे बर्गर बन पे। साथ ही साथ हम इसमें अभी मेयोनीज लगा लेंगे। पिछले वाले बर्गर पे मैंने मेयोनीज नहीं लगाया था, इस वाले में मैं लगा रही हूँ, तो आपको अगर चाहिए तो आप पिछले वाले में भी ऐड कर सकते हैं। मेयोनीज को भी हम अच्छे से फैला लेंगे। बाकी की प्रोसेस हमें सेम रखनी है जैसे हमने पिछली बार किया था। इसको हम बर्गर बन के ऊपर रखेंगे टिक्की को। थोड़ा सा चीज इस वाले पे भी हम डाल देंगे। इसके ऊपर से हम ये रखेंगे प्याज एक गोलाई में कटा हुआ, टमाटर, ऊपर से हम पिज्जा सीजनिंग डालेंगे या मिक्स्ड हर्ब्स, थोड़ा सा नमक डाल देंगे, थोड़ी सी काली मिर्च डाल देंगे, जो हमने बर्गर सॉस बनाई थी वो हम इसके ऊपर से लगा देंगे। इसके ऊपर हम बारीक कटा हुआ ये जो लच्छे में कटा हुआ हम पत्ता गोभी है ये रख देंगे और बस अब हम इसको उठा के इसके ऊपर से रख देंगे। लीजिए जो अब बर्गर है वो बन करके रेडी है। आप चाहें तो इसको अलग से असेंबल करके ओवन में भी बेक कर सकते हैं। ये बर्गर भी बन करके रेडी है।
देखिए हमने आपको दो तरीके से बता दिया, अगर आपके पास स्लाइस चीज नहीं है तो आप इस तरह से प्रोसेस चीज से भी बना सकते हैं। आइए अब हम इसे अच्छे से सर्व कर लेते हैं। तो लीजिए बर्गर बनकर के रेडी है, इसको हमने फ्रेंच फ्राइज और कोल्ड ड्रिंक के साथ सर्व किया है। आप भी इस तरह से अपने घर में बना सकते हैं, अपने घर में किसी भी पार्टीज वगैरह में आप इसको सर्व कर सकते हैं। इसको बनाना बहुत ही आसान था और आप एक बार ऐसे अगर बर्गर बना के ट्राई करेंगे घर में तो आप मैकडॉनल्ड या बर्गर किंग जाना बिल्कुल भूल जाएंगे। तो आप भी जल्द से जल्द इसको ट्राई करें और हमें जरूर बताएं कि हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।